तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये सिखाया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ मास नंबर से ऐसे चेंज होता है। हाइड्रोजन और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लो रहती है, तो इससे फिजन एंड फ्यूजन को एक्सप्लेन करना आएगा। तो आपने लिखना है डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एट हायर मास नंबर, जैसे यूरेनियम हमें यह बताती है दैट न्यूक्लियॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड व्हेन दे आर असेंबल्ड इनटू टू न्यूक्लियर मिडल मास न्यूक्लियाई। वो कह रहे हैं कि आपका अगर ये हैवी न्यूक्लियस बड़ा रह गया यूरेनियम, तो वो लूजली बाउंड रहेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर आप दो मिडल मास न्यूक्लियाई बना लेंगे तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाएगी, बड़े मास नंबर में कम हो जाएगी, और छोटे छोटे दो न्यूक्लियस बनेंगे मास नंबर कम वाले, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाएगी और वो स्टेबल हो जाएंगे। पर जब आप बड़े न्यूक्लियस को तोड़ते हैं छोटे में, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन, जिसका होने का रीजन एक ही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम है। और फ्यूजन को एक्सप्लेन करना है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर न्यूक्लियर ऑफ लोअर मास नंबर, कम मास नंबर की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, और इससे ये पता लगता है कि एनर्जी रिलीज होती है अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला के बड़ा न्यूक्लियस बन सके, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका रीजन भी सेम है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम है।